देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सिर्फ हंगामा ही हंगामा हुआ, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक अहम बिल भी आज बिहार विधानसभा से पास हुआ है। ये बिल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ ही बिहार में पेपर लीक करने वालों पर नीतीश सरकार ने कड़ी नकेल कसने का इंतजाम किया है। एंटी पेपर लीक बिल बिहार विधानसभा में पास हो गया। अब राज्यपाल के साइन के बाद ये बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा और राज्य में पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान होगा। इस नए कानून के तहत सजा को लेकर के क्या प्रावधान है, ये भी आपको बताते हैं। अगर पेपर लीक में किसी संस्था का नाम सामने आया तो उसको 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वहीं इस नए कानून के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए बिल के मुताबिक आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा और पेपर लीक में शामिल दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। वहीं इस बिल के सदन से पास होने पर बिहार में सत्ता पक्ष खुशी जाहिर कर रहा है, जिसकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस नए कानून से बिहार में पेपर लीक पर पूरी तरीके से लगाम लगेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। वहीं दूसरी तरफ जब इस बिल के पास इसे किया जा रहा था तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसको लेकर के अब एनडीए विपक्ष को घेर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने नीट एग्जाम को लेकर के पेपर लीक के बहाने सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन अब जब सरकार ने पेपर लीक पर लगाम के लिए कदम उठाया तो वहीं विपक्ष मुंह चुराते हुए, चेहरा चुराते हुए नजर आया। जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है, एंटी पेपर लीक पे बिहार सरकार काम करना चाह रही है, तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गई। तो ये संदेश पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे राज्य के लिए है कि विपक्ष बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको खाली मुद्दों पे हल्ला हंगामा करने आते हैं, पर उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो बैठ करके चर्चा करें। उनके पास एक अच्छा मौका था, अच्छा समय था कि वो विधानसभा में बैठ के नीट पेपर लीक के मामले पे या पेपर लीक के जितना भी मामला हुआ है बिहार में उस पर के वो चर्चा करें, पर वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो समय की बर्बादी है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते ना सदन की गरिमा को वो नहीं रखते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा से पास हुआ पेपर लीक कानून वाकई सख्त है, क्योंकि नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। वही ये नियम बिहार में परीक्षा कराने वाली कई संस्थाओं पर भी लागू होंगे। नियम बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर लागू होगा। साथ ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार पर भी नए नियम लागू होंगे। इसके साथ ही वो भी प्राधिकरण को जो कि राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित किए जाते हैं, उन पर भी ये नियम लागू होगा और प्रभावी होगा। बिहार विधानसभा से जब ये बिल पास किया जा रहा था उस वक्त तो विधानसभा के अंदर विपक्ष नहीं था, लेकिन वॉकआउट करने वाले विपक्ष ने बाद में इस पर प्रतिक्रिया जरूर दी है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र का इस पर क्या कहना है, पहले आप सुनते हैं। हम वॉकआउट किए हैं दूसरे सवाल पर, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, हम भी उस शासन में शामिल थे और जातीय गणना कराया गया था और जातीय गणना में 75% किया गया और ये बीजेपी वाले आरक्षण विरोधी हैं और इनका लोग जाकर पीआईएल दायर कर दिया और आरक्षण पर शंका हो गया। तो हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बात पर अडिग रहिए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए।